ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल नीता क्रिएशन में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं एडवोकेट हूं, तो कोई भी चीज़ बिना सबूत के आपको नहीं दिखाती हूं, हर असली खबर। कोरोना काल में क्या क्या घटनाएं आपने देखी जिससे आप द्रवित हुए? कोरोना काल में तो बहुत सी घटनाएं हमारे सामने गुजरी हैं, लेकिन एक घटना मुझे 33 का है, जब मेरे घर से फ़ोन आया कि आपकी मदर जो है गोंडा में पांडे नर्सिंग होम में आईसीयू में हैं, आप तुरंत आइए, आपको बहुत याद कर रही हैं। मैं उस टाइम हाईवे पे पूरी सब्जी मजदूरों को खिला रहा था जो जा रहे थे। मैं तुरंत बिना संकोच के ब्रजेश पाठक जी को फ़ोन किया, कानून मंत्री जी को। उन्होंने तुरंत कहा लेटर भेजिए डीएम का, वो लेटर उनको भेजा। उन्होंने डीएम सिटी को फ़ोन किया और हमने आलोक ड्राइवर को अपने बुलाया और तुरंत जाकर एक लेटर लेकर के घर पे गए। घर पे गए तो पता चला कि वो हमारी मदर जो है घर पे आ चुकी थी। उनके पास मैं कुछ देर बैठा था, फिर मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ रुकता हूँ तो सुबह 14 दिन मुझे क्वारंटाइन में जाना पड़ जाएगा। और मैं वहाँ से फिर तुरंत यहाँ लखनऊ में आया और घर पर भी नहीं बताया था, घर पर आने के बाद तुम्हें बताया। ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी घटना थी कि जिसमें मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया था, लेकिन उसके बाद भी ऊपर वाला जब चाहता है तो वह चीज़ हो जाता है। और वो मेरा दूसरे दिन से भी ये पूरी सब्जी बांटने का कार्यक्रम चालू। लोग लापरवाही बरत रहे हैं कोरोना को लेकर के, मास्क नहीं लगाते, भीड़ भाड़ में भी इकट्ठा हो रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, उसके लिए मेरी उनसे अपील है, खासकर युवा को, और युवा को सबसे ज़्यादा कोरोना हो रहा है। और लखनऊ मैंने देखा है, चाहे युवा लड़के हों या लड़कियां हों, मोटरसाइकिल से चलें या मार्केट में चलें, वे मास्क जरूर ले रहते हैं लेकिन गले में यूँ लटकाए रहते हैं, लगा के नहीं चलते। मेरी उनसे निवेदन है कि आप अपने घर के लिए बहुत होनहार व्यक्ति हैं, घर के वाले बहुत अपेक्षा आपको करते हैं, आप ऐसा मत करें। इसी वजह से लखनऊ में कोरोना की पॉजिटिव संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। सर, जिस तरह सोए हैं हिंदुस्तान के लोग, वहीं पे आप कहीं ना कहीं जा करके ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं जहाँ पे उनकी उनके खुद 100-100 रुपए का मास्क नहीं खरीद सकते, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए? नहीं, मेरा तो 117 दिन हो गया ये काम करते हुए, और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने आह्वान किया था कि सारा चीज़ सरकार नहीं कर सकती, समाज के संपन्न लोग या जो करना चाहते हैं आके सेवा करें, तो मैं कर रहा हूँ। अब ये लोग 150-200-250 रुपया महीना पाते हैं, ये कहाँ रोज़ मास्क लगा पाएंगे? तो इनको मैंने ये 95 लेयर का मास्क दिया है, जो कि ये इसको धो करके यूज़ करेंगे, 3-4 महीना चलेगा इनका, ये फ़ायदा होगा। मैं ढूंढ ढूंढ के जहाँ भी देखता हूँ, रिक्शे वालों को, खमंचे वालों को, सब्जी वालों को, या जो मास्क नहीं लगाए हैं युवा, उनको देता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि भाई क्यों ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, अपने परिवार के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आप इसमें मास्क लगा के चलें, वो अच्छा रहेगा। जितना हो पा रहा है उतना मैं कर रहा हूँ, आज 117 दिन हो गया मुझे करते। भगवान से क्या दुआ करेंगे ऐसे जो महामारी का माहौल चल रहा है ऐसे को लोगों के लिए? मैं तो हनुमान जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि भाई जितना जल्दी से जल्दी हो ये महामारी की दवाई बने, सब ठीक हो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेन चीज़ है। मुझे आज 117 दिन हो गया, मैं ऐसी ऐसी जगह पे गया हूँ, इस राशन दे के आया हूँ, 3 महीना पहले पता चला उसमें 500 पॉजिटिव, लेकिन मैं बहुत सफाई से आ करके घर में कपड़े उतार देना और मैं हमेशा मास्क लगाना, सैनिटाइज करना हाथ में, ये सरकार सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बड़ा इसका उपाय है। ठीक है, सबूत के और फोटो के साथ ही दिखाती हूँ दोस्तों, ताकि आपको यकीन हो सके। जैसा कि अभी आप लोगों ने शुक्ला जी से सुना कि उनकी माता जी की तबीयत खराब थी, उस दौरान उन्होंने कैसे अपना कर्तव्य निभाया एक बेटे और समाज सेवी होने का, इसी बात से प्रसन्न होकर दयाल पैराडाइज के मालिक मिस्टर राजेश सिंह जी ने उन्हें दूसरे नंबर पर पुरस्कार देने के लिए चुना है, जो वो हर साल योजना चलाते हैं। 15 अगस्त से लेकर के 2 अक्टूबर के बीच में कोई भी 5 लोग जो समाज के लिए अच्छा कार्य करेंगे उनको वो 21,000 रुपये का सम्मान देंगे। तो दोस्तों, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि सर को ये सम्मान मिल रहा है इस बार। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, लव यू ऑल।